बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू हबीब किचन हैदराबादी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे इंशाल्लाह। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने मम्मी के लिए दुआएं की और कॉल कर पूछी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने मम्मी को बहुत अच्छे से प्यार से मॉडिफाइड कर उसको और बताया, क्योंकि मम्मी में ना एक मोटिवेशन, एक हिम्मत अफजाई के लिए वो बेटर फील करें। तो बहरहाल यहाँ मम्मी की कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, बहुत क्रिटिकल थी, जिनको नहीं पता। तो पहले भी हम लोगों ने आई ऑपरेशन करवाया था, लेंस लगवाई थी मम्मी को, तो वो ड्रॉप हो गई। इस वजह से वही आंख में फिर से दोबारा ऑपरेशन करने पर बहुत कुछ इश्यूज क्रिएट हुए। उस वजह से ऑपरेशन आधे घंटे की जगह 3-3.5 घंटे का हो गया था, जहाँ डॉक्टर्स भी परेशान हो गए थे और घर वाले तो ऑब्वियसली। मुझे तो बाद में पता चल रही थी मम्मी की अपडेट्स, बट खयूम और भाई वहाँ मौजूद थे तो बहुत परेशान हो गए थे और मम्मी की हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। शुगर है मम्मी को, डायबिटिक पेशेंट है, तो उनकी शुगर जो है वो 40-50 दिखा रही थी और बीपी भी बहुत लो। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम हुआ और आप लोगों की सबकी दुआएं, मम्मी की थोड़ी सी हिम्मत होने पर मम्मी को फिर से नई ज़िंदगी मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। सब लोग की दुआएं स्टिल अभी चाहिए, तो आप लोग दुआ में प्लीज़ मम्मी को याद रखिएगा। तो बहरहाल मैंने यहाँ एक गर्म पानी से अपना डे शुरू किया था। थोड़ी सी अर्ली मॉर्निंग का वीडियो था, क्योंकि मुझे भी बहुत एनर्जेटिक रहना पड़ता है पूरा दिन। यहाँ मैं बना रही हूँ खाना, लंच बना रही हूँ, क्योंकि नाश्ता तो हम लोगों ने कर लिया था और बच्चे भी घर पर हैं। उनकी क्लासेस लगवाई थी मैंने कुछ, तो समर की वो कंप्लीट करते हुए मैंने शूट बिल्कुल भी नहीं किया था। 3rd या 4th डे था मम्मी का घर पर और मैं यहाँ बना रही हूँ लंच। सुतरियाँ या चकोलियाँ जो भी आप कहते हैं वो मैंने स्टार्ट किए हैं बनाना, और यहाँ मैं अदरक की चाय बना रही हूँ गुड़ के साथ। अब जब मम्मी को पीनी थी चाय, मुझे मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो अब सबको पीनी थी, बच्चों को, मम्मी को, खयूम को, तो इस वजह से फिर मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी और शक्कर की जगह मैंने यहाँ गुड़ का यूज़ किया था। गोश्त भी गल गया था और अच्छे से ग्रेवी रेडी हो गई थी यहाँ, तो मैंने इसको अच्छे से भूना कुछ देर के लिए और हल्का सा थोड़ा सा गरम मसाला, इसमें मैंने होममेड गरम मसाला ऐड किया था। ये गरम मसाला मैंने घर पर ही बनाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इंशाल्लाह आने वाले ब्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा पसंद आया ये। और पैकेट फूड का तो पता ही है आप लोगों को, आप लोगों ने भी सुना ही होगा मसाले इसके बारे में, तो बेटर है कि हम सब घर जितना हो सके घर पर ही इसके इस तरह के प्रिपरेशंस किया करें। तो बहरहाल मैंने यहाँ ग्रेवी तो बना ली थी और छोटे छोटे से फुलके बनाऊंगी, क्यों घी तेल इस तरह का कुछ इसमें ऐड नहीं करूंगी। सो थैंक यू सो मच अगेन, आप लोगों ने तरह से दुआएं की और मम्मी का पूछा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। यहाँ मेरे पास नेहा आ गई थी, मुझे छेड़ रही थी, खेलना चाहती थी, बट मेरे पास टाइम नहीं था उसके लिए। बट जितना हो सके मैं उसको चेयर अप कर रही थी, क्योंकि खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा सताती है, छोटी है अभी, पे ही डिपेंड है, और घर वाले सब परेशान थे, तो फिर ये भी बेचारी बहुत अकेली हो गई। तो बहरहाल जैसे तैसे मैनेज हो रहा है और बस ज़िंदगी यही है, रोलर कोस्टर है जिसको हमें बस मैनेज करना ही पड़ता है। तो बहरहाल यहाँ रोटियाँ दल गई थी, फुलके दल गए थे, अब मैं इसको छोटे छोटे से टुकड़े कर लूँगी और इसको जो ग्रेवी मैंने बनाई थी उसमें मैं ऐड करके कुछ देर, कुछ मिनट्स के लिए पका लूँगी कि फुलके अच्छे से नरम हो जाएं। फुलके चूर कर डाल रही हूँ, बहुत सॉफ्ट हो जाएं, मुलायम हो जाएं। गोश्त भी अच्छा खासा गल गया था, लेकिन अब मम्मी चबा पाएंगे या नहीं, इसलिए फिर मैंने इसको ऊपर ही रखकर मम्मी को सर्व किया था,
ताकि अगर मर्जी हो अगर वो खा सकते हैं तो खाएं, अदरवाइज इट्स ओके। हाय करो, हाय हाय करो, हाय। डॉक्टर ने तो कहा था कि हम हर चीज़ दे सकते हैं मम्मी को, बस वो एक मुलायम नरम फॉर्म में होना चाहिए। मम्मी डायबिटिक पेशेंट है तो इंसुलिन लेते हैं, अब फ़िलहाल के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्किप तो कर ही नहीं सकते। तो मैं मम्मी के लिए सिरिंज रेडी कर रही हूँ और मैं ही उन्हें दे दूँगी। इस तरह से मैंने इसको लूज़ लूज़ सा रखा है। मम्मी के डेली रूटीन मेडिसिंस के साथ कुछ टैबलेट्स भी ऐड किए थे तो वो मैंने याद से फिर उन्हें दे दिए थे। और यहाँ नेहा आ गए थे मम्मी को खिलाने के लिए, क्योंकि वो भी परेशान है कि नना के आंख पे हुआ क्या है आखिर। और घर के लिए मैंने यहाँ दाल चावल बना लिए थे और मसाले वाला गोश्त फ्राई कर लिया था। ये बहुत ही इजी रेसिपी है गोश्त की, जहाँ मैं मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन पेस्ट, गोश्त और तेल डालकर हसबे ज़रूरत पानी ऐड कर इसको चढ़ा देती हूँ गलने के लिए। जब ये गल जाए तो मैं इसमें हल्का सा गर्म मसाला, हरा मसाला, हरी मिर्चें डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ और डिश आउट कर देती हूँ। बहुत ही मज़े से बच्चे खा लेते हैं। और यहाँ हम लोग कर रहे हैं डिनर, क्योंकि देखते ही देखते ना डिनर टाइम भी आ गया और अगले दिन बच्चों को क्लासेस करने होते हैं और मुझे अपने काम। तो इस तरह का था आज का वीडियो और वीडियो के एंड भी होने लगी है। तो अब मैं हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ से रोज़ाना दिन रात एहसान और सदक़े होते रहते हैं, लेकिन कोई एहसान किसी बंदे पर इससे बढ़कर नहीं के उसको अल्लाह ताला अपने जिक्र की तौफीक नसीब फरमा दे। सुभान अल्लाह। वीडियो कहीं पर भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।